मैं तो दूर से सही गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इसके लिए बनाना बेसिकली क्योंकि हमारे घर पे कल पूजा है एंड हम आज इसका सामान खरीदने वाले हैं ताकि हम पूजा कर सके कल मस्त मस्त। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे मिट्टी का सामान लेकर के आएंगे एंड थोड़े फल लेकर के आना है हमको, तो मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। मिट्टी का सामान ले लिया एंड अब हम आए हैं यहाँ पे पापा के लिए कुर्ता पजामा लेने के लिए। नया कुर्ता पजामा लेना है यहाँ पे, देखेंगे अगर अच्छा मिलेगा तो यहाँ से लेंगे वरना कहीं और जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा कुर्ता। अच्छा पता है जब ये वाला शॉट में ले रहा था ना कि वहाँ पे किराने के सामान के पास एंड बगल में ही ना जस्ट दूल्हे का दुकान है जहाँ पे दूल्हे का पैसा वाला माला एंड सिंदूर एंड ऑल मिलता है, तो अंकल वाज लाइक कि ना तो दूर से लो ताकि ना ऊपर जो पैसे वाले माला लगे वो भी आ जाए। तो मैं बोला अच्छा ठीक है अंकल वापस लेता हूँ, देखना भी अंकल बोलेंगे मेरे को कि देखो यहाँ पे बोल रहे कि ऊपर का माला भी आना चाहिए। पापा कुर्ता हमने ले लिया एंड बाकी किराने सामान भी ले लिया। अभी हम मिठाई का दुकान खोजें ताकि मिठाई ले लें। लड्डू एंड दही ले चुके हैं, आगे कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारा मार्केटिंग हो गया एंड अब हम जा रहे हैं वापस से घर जाके आराम करने वाले हैं। पापा किराने सामान ले रहे थे, उनसे पूछे कि लड्डू वहाँ पे अच्छा कहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने कहा ना बगल में दुकान है बाल काटने वाला, उसके बगल वाले से लड्डू ले लेने के लिए। पापा ने कहा अच्छा ठीक है, तो जाकर खोज रहे हैं वो बाल काटने वाला दुकान ही बंद है, लड्डू खुश तरह का वो लड्डू ही नहीं मिल रहा है। बाद में पता चला अच्छा यही था लड्डू वाला दुकान। वाह, हमने ना सारा सामान यहीं पर रख दिया बड़े पापा घर पर, क्योंकि कल पूजा यहीं पर हमारा जमीन है तो यहीं पर लाना है, इसीलिए डबल मेहनत हो जाती है इसलिए यहीं पर रख दिया हमने। फिर पता है रात हो गया एंड अब हम जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा पानी की रहेंगे जहाँ पूजा होगा एंड कल का व्यवस्था करने वाले हैं। जैसे मैं ये लाइट लेके जा रहा हूँ, मतलब दीदी ने दिया है लाइट लगाने के लिए, वाओ देखने के लिए मस्त है लाइट। चलो काम पे बढ़ते हैं। फिर ना सफाई हो रहा है अभी कल की पूजा की तैयारी के लिए, यहाँ पे हुआ कल पूजा, रात में कुछ दिख नहीं रहा है। गैस ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है वहाँ पे, तो सुबह के उठ के क्लाइंट ड्रेस देना है, यारो सो गया है, घर जाके इसे सुलाना अच्छे से। तो बाय, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह डायरेक्टली रेडी होके। बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे एंड आज ही पूजा है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं जमीन पे ऑलरेडी ताकि थोड़ा तैयारी व्यारी कर लेते हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट तैयारी होने के बाद है ना अभी सफाई करने का ही हम लोग भी सोच रहे थे, पापा सोच रहे थे कैसे सफाई कराए, तब तक इनको है ना भगवान ने फाइनली भेज दिया। पापा ने कुछ पैसे दिए और बोला कि नहीं यहाँ पे भी साफ कर देने के लिए, ये एक्चुअली रोड पे साफ करती हैं, तो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट तरफ से आई गेस होंगी, तो यहाँ पर भी आ गई और हमारा तरफ भी साफ कर दी। वहाँ का सब काम हो गया है, बस रेडी होना है निकलना है, मम्मी रेडी हो चुकी, मुझे भी रेडी रहना, तो बाय। ऑलराइट गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए, मतलब सब लोग एंड यहाँ पे आ गए बड़े पापा घर पे एंड यहाँ पे से पूजा स्टार्ट होने वाला, तो सब लोग यहाँ पे आ गए रेडी होकर के एंड फिर पापा का मैंने यहाँ पे ड्रेस ले लिया क्योंकि पापा यहीं पे थे, क्योंकि यहाँ पे काम हम और भी हो रहा है इसके लिए, तो सामान लेकर के यहीं पे आ गए हम लोग। चलो चलते हैं। पता है जो मेरे को जूता पहनने का है ना, मतलब पूजा में आज वो मैं नानी के घर पर छोड़ दिया, तो मैं नानी कॉल करके बोला कि नानी जूता भी मेरा लेते आइएगा, तो नानी मेरा जूता लेकर के आने वाली है एंड देन फिर वो जूता मैं पहनूंगा, मतलब लेकर के मैं कर्नाटक से आ गया लेकिन यहाँ नहीं लेकर, इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, कुछ भी होता है। तैयारी चल रहा है तब से भाग लेके कुछ लेके और कुछ लेकर भी घास से निकला है, मिलता हूँ वहाँ पे। जश्न याद आया कि मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मतलब मैं हूँ कहाँ पे, तो एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ एंड यहाँ पे हमारा ज़मीन है, तो हमें ना उसका भूमि पूजन करवा रहा था कि हमें ना घर बनाना स्टार्ट कर सके, तो आज है हमारा भूमि पूजन जो कि आप अभी देख रहे हैं। पूजा चल रहा है एंड ऑल, मैं तब से टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर कुछ ना कुछ करके, अभी है ना उन्होंने सीमेंट एंड
कालू चाहिए वो भेजा ही नहीं है, तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो लेकर के आते हैं वो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय भांजा, छोटे छोटे प्यारे मेरे भांजा। हाँ बोल, कहाँ गया वो? मैं इनका भांजा, मैं भी उनका भांजा। वेरी गुड, ये हमारे मामा, ये हमारे मामा। मामा वाह, देख क्या रहे हैं, ये रहा हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो रहा है हवन की तैयारी, तो अभी होगा हवन एंड फिर ऑलमोस्ट पूजा एंड पे है, फिर पूजा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये पता है ये कलश के ऊपर से है ना पत्थर रख के दबा दिया जाएगा एंड इसके ऊपर ही घर बन जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। एक्चुअली पता है ये वाला चुन्नी जो मम्मी ने ओढ़ा हुआ है ना, ये चुन्नी मम्मी के शादी के टाइम का, इसके लिए मतलब थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, बट उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हैं ना वो तो हमेशा नहीं रहेंगे। कड़ी तपस्या के बाद पूजा कंप्लीट हो गया एंड अब टाइम आ गया आरती का, तो अब आरती लेंगे हम, प्रसाद खाएंगे एंड चलते बनेंगे। बच्चा गैंग मेरे साथ चल रहा है, एक वहाँ रह गई बेचारी, एक पीछे भाग के आ रहा है। सो अभी है टाइम प्रसाद का, अभी है ना यहाँ पे इसको ढक देंगे ईटे से एंड इसके ऊपर दीपक जलाएंगे पूरे 24 घंटे तक, उसको तेल डाल डाल करके ध्यान रखना पड़ेगा हमें एंड फिर बाद में 24 आवर्स के बाद वो दीपक को मतलब बंद किया जाएगा। पूजा कंप्लीट हो चुका है, भूमि पूजन था हमारी जमीन का, क्योंकि घर बनने के पहले पूजा करते हैं वो वाला पूजा था, वो पूजा कंप्लीट हो गया एंड पता है पूजा का मुहूर्त था समथिंग 9 बजे से कुछ मिनट से, तो वो हो चुका है पूजा एंड न्यू का मुहूर्त है, मतलब उसमें लगाएंगे जो मैं दिखा रहा था ना आपको वो, उसका 11 o'clock समथिंग मुहूर्त है, तो वो अब स्टार्ट हो रहा है। डॉटर है उसकी। फाइनली गाइस पूजा एंड ऑल जो भी सब कुछ था अच्छे से निपट गया है, सारे रिश्तेदार जो भी आए हुए थे यहाँ पे से आस पड़ोस वाले वो सभी घर जा चुके हैं प्रसाद वरसाद लेके, सब कुछ मतलब अच्छा खासा हो गया है एंड वहाँ पे मतलब जो न्यू था वो भी डला गया एंड अब घर बनना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पूजा हो गया भूमि पूजन तो अब न्यू बनना भी स्टार्ट हो सकता है। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मतलब वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अरे एक मिनट, इन लोगों ने मेरे को प्रसाद तो दिया ही नहीं।